हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली पूरी वर्ल्ड वाइड जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर्स हैं, वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि आखिर बिटकॉइन इतना ज़्यादा क्यों डंप हो रहा है। जानेंगे आज के इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर विजिट करेंगे क्वाइन मार्केट कैप वेबसाइट, और क्वाइन मार्केट कैप वेबसाइट पर जो टोटल नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज लिस्टेड हैं वो लगभग 19,700 के आसपास हैं। और जो दूसरे नंबर का पॉइंट है कि टोटल नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज जो एक्सचेंजेस हैं वो 525 हो चुके हैं। और उसके बाद में जो मेन पॉइंट की बात है कि टोटल नंबर ऑफ मार्केट कैप जो है वो लगभग यहां पर आ चुकी है 1.2 ट्रिलियन डॉलर की, जो कि बहुत ही कम है। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 1.2 ट्रिलियन डॉलर तो बहुत ही ज्यादा होती है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 1.2 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप बहुत ही कम हो चुकी है। अगर आप सभी लोगों को याद हो, जब बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पे था लगभग 65,000 डॉलर के जोन में, तब जो है क्या हुआ था, जो टोटल नंबर ऑफ मार्केट कैप थी वो लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास थी। जी हाँ, और आप लोग सोचिए कि कहाँ 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप और कहाँ 1.2 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप, मतलब आधे से भी कम हो चुकी है। तो इसकी वजह से आप खुद सोचिए, यहाँ पर जब प्राइस 65,000 डॉलर पे था तो मार्केट कैप लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर की थी, और अभी जब प्राइस बिटकॉइन का यहां पर हो चुका है वो लगभग 29,600 डॉलर के आसपास है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो आप खुद सोचिए, 65,000 डॉलर से आधा लगभग 32,000 डॉलर होता है, और उससे भी कम हो चुका है। इसीलिए बिटकॉइन का प्राइस इतना ज्यादा गिर चुका है, क्योंकि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की जो टोटल मार्केट कैप है वहां से बहुत सारा पैसा निकाल लिया गया है। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहां पर आप लोग देखिए कि बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो 46% हो चुका है। दूसरा, इथीरियम का जो बिटकॉइन डोमिनेंस है वो लगभग 17% डोमिनेंस बचा हुआ है। आप लोग खुद सोचिए, मेरा 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत ही ज्यादा बिटकॉइन और इथेरियम का डोमिनेंस हो चुका है इस समय। रीजन ये है कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मार्केट में इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट टेरा लूना था, उसने बहुत बड़ा स्कैम किया, लोगों को बेवकूफ बनाया और लोगों को बहुत बड़ा पैसा लॉस हो गया, जिसकी वजह से यहां पर जो ट्रस्ट था वो टूट चुका है। इसके लिए यहां पर लोगों ने बिटकॉइन और इथेरियम में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है, सेकेंड जनरेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी इथीरियम है, ये सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। आप सभी लोगों का सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे सेकेंड नंबर पॉइंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ऑफ बिटकॉइन। फियर एंड ग्रीड ऑफ बिटकॉइन जो इंडेक्स होता है वो हम आपको यहां पर ले चलते हैं, और आप देख सकते हैं कि लगभग यहां पर 10% के आसपास आ चुका है। देखिए, यहां पर जो 10% है, इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि लोग बहुत ही ज्यादा यहां पर पैनिक कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग यहां पर देखिए कि अगर यहां पर फियर और ग्रीड जो इंडेक्स है, इसमें दो केसेस जनरेट होते हैं, या तो परसेंटेज बहुत ही ज्यादा लो होगा और या फिर परसेंटेज बहुत ही ज्यादा हाई होगा। तो यहां पर अगर परसेंटेज जो है वो बहुत ही ज्यादा लो हो जाता है तो यहां पर क्या होगा, मार्केट में पूरी तरीके से पैनिक का माहौल बन जाएगा। जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो बहुत ही ज्यादा पैनिक करेंगे। और उसके बाद में जब पैनिक करते हैं,
10% 20% 25% के आसपास फियर और ग्रीड इंडेक्स अगर आ जाए तो यहां पर सबसे ज्यादा हमारे को लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और उसके बाद में जो ये टोटल नंबर आप यहां पर 25% से अगर लेस देन हो जाता है तो जितने भी चाहे वो रिटेल यूजर्स हों चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हों, अभी अगर करंट यहां पर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात की जाए तो लगभग 10-12% चल रहा है। इट मींस दैट कि बिटकॉइन में लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी चल रही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि व्हेन परसेंटेज इज हाई, अगर यहां पर जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का परसेंटेज है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है तो आप यहां पर क्या हो जाते हैं, फुल ग्रीडी न्यू इन्वेस्टर्स, स्पेशली जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में नए इन्वेस्टर्स हैं। आप लोग जरा याद कीजिए, जब बिटकॉइन 60,000 65,000 डॉलर के जोन में था तो जितने भी मार्केट में नए इन्वेस्टर्स थे वो बहुत ही ज्यादा ग्रीडी हो चुके थे, वो लोग बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे। लेकिन जो इस यहां पर बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो टैलेंटेड होते हैं, जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, वो लोग यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। कब? जब फियर और ग्रीड इंडेक्स बिटकॉइन का मोर देन 75% हो जाए या फिर 75% से ऊपर चला जाए, 75% भी जाता है, 80% भी जाता है, 90% भी जाता है। तो कहने का मतलब फियर और ग्रीड इंडेक्स अगर लेस देन 25% है, 10% है, 15% है तो यहां पर हमारे को लाइफ की बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वहीं पर अगर इसका परसेंटेज मोर देन 75% हो जाए, 80% हो जाए, 90% हो जाए, और कभी कभी इनकेस देखा जाता है कि जो इंडेक्स ये यहां पर फियर और ग्रीड इंडेक्स है वो लगभग 95% तक भी पहुंच जाता है तो वहां पर हमारे को सबसे अच्छा मौका होता है प्रॉफिट बुक करने का। ये चीज आप सभी लोग अपने माइंड में मेकअप करके रखिएगा, आने वाले टाइम में जब बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा तब आपको बहुत ही ज्यादा इसकी जरूरत पड़ेगी अपने प्रॉफिट बुकिंग में। अब हम यहां पर बात करेंगे तीसरी इंपॉर्टेंट रीजन की कि आखिर बिटकॉइन क्यों इतना ज्यादा गिर रहा है। कोविड होल मार्केट डंप, सिंपल सा फंडा है कि कोविड 19 की वजह से क्या हुआ है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा पूरी ग्लोबल मार्केट यहां पर डंप हो चुकी है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या फिर फॉरेक्स मार्केट हो और या फिर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की मार्केट हो। जब सारी मार्केट यहां पर डंप हो चुकी हैं तो चाहे वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की मार्केट हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, शेयर मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, हर एक मार्केट गिर चुकी है और जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर्स हैं या अदर किसी मार्केट के इन्वेस्टर हैं वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि यहां पर उनको प्रॉफिट बनाने का मौका नहीं मिल रहा है, पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट यहां पर गिरी हुई है। उसके बाद में यहां पर जो फोर्थ नंबर है वो ये है कि होल इन्वेस्टर वेरी सैड, सिंपल सा मतलब है इसका कि पूरी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की मार्केट गिर चुकी है, ग्लोबल मार्केट डंप हो चुकी है जिसकी वजह से पूरी वर्ल्ड वाइड जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा सैड हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, दुखी हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट बनाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद में ये इतनी सारी चीजें हो रही हैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में तो यहां पर आपके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो फिफ्थ नंबर का है कि आफ्टर दिस, इसके बाद में आपको नीड पेशेंस की जरूरत है। यहां पर आप सभी लोगों को पेशेंस की बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर यहां पर आप पेशेंस नहीं रखते हैं या फिर कोई अदर बिजनेस हो, कहीं भी आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं
तो पेशेंस बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। तो इसलिए बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में खासकर आप सभी लोगों को पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, और इस समय वही टाइम पीरियड चल रहा है। जितना ज्यादा आप पेशेंस रखेंगे उतना ज्यादा आपको आने वाले टाइम में बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की मार्केट आज नहीं तो कल रिकवर जरूर करेगी। अब हम चलते हैं अगले 6 नंबर पॉइंट की। यहां पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की मार्केट तो एकदम से डंप हो चुकी है, लोग बहुत ही ज्यादा पैनिक कर चुके हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जो आता है आप सभी लोगों का कि शुड यू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन आर नॉट, बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। तो यहां पर हम सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं। अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि एक एक चीज मैं आप सभी लोगों को डीप एनालिसिस और रिसर्च के साथ में बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं, तो उससे पहले हम यहां पर बात करेंगे किसी भी पर्टिकुलर मार्केट में 3 से 4 लोग होते हैं, 3 से 4 कैटेगरी होती है इन्वेस्टर्स की। सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें तो इंट्राडे ट्रेडर, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो क्या बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप बहुत ही ज्यादा रिस्क टेकर हैं, रिस्क लेने के शौकीन हैं, तो आप लोग प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में इन्वेस्टमेंट करिएगा। दूसरे नंबर यहां पर कैटेगरी की बात करेंगे जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, वो लोग क्या करेंगे, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी स्टॉप लॉस मैंडेटरी है। स्टॉप लॉस क्या होता है, कैसे यूज होता है, कौन कौन से एक्सचेंजों में यूज होता है, सारी डिटेल्ड में वीडियो अगर आप सभी लोगों को रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर को भी यहां पर रिस्क लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब हम यहां पर बात करेंगे मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, ये दो ऐसे कैटेगरी के ट्रेडर हैं या फिर इन्वेस्टर हैं जो कि बहुत ही कम समय में लॉस होता है, मैक्सिमम टाइम इन सभी लोगों को प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि मीडियम टर्म मोर देन 3 मंथ्स को कहा जाता है, 5 महीने 6 महीने 8 महीने को हम मीडियम टर्म कंसिडर करते हैं, और लॉन्ग टर्म को हम कहते हैं मोर देन 1 ईयर। मतलब अगर 1-2 साल 3 साल के लिए आप बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैक्सिमम टाइम आप सभी लोगों को प्रॉफिट ही होगा। अब हम यहां पर बात करेंगे कि यहां पर जो 7 नंबर पॉइंट है, ऑलवेज डू लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत ही ज्यादा लिमिट से इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो इसलिए उन सभी लोगों को बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में लिमिटेड इन्वेस्टमेंट ही करना है। उसके बाद में जो 8th नंबर पॉइंट है वो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। जी हां, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट क्यों कहा जाता है, उसके पीछे रीजन है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आप वीकली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप पर डे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप सभी लोगों के ऊपर कि आप कौन सी कैटेगरी के ट्रेडर हैं, कौन सी कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं, आपकी कैपेसिटी क्या है इन्वेस्टमेंट करने की, उस तरीके से आप लोग SIP में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम यहां पर बात करेंगे 9th नंबर जो पॉइंट है वो ये है कि बिटकॉइन का जो करंट प्राइस चल रहा है लगभग $30,000 के आसपास चल रहा है। करंट प्राइस हम चेक करने की कोशिश ही कर लेते हैं क्योंकि यहां पर हमारे पास लाइव प्राइस चल रहा है $29,000 के आसपास चल रहा है बिटकॉइन जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम यहां पर बिटकॉइन का प्राइस जो $30,000 चल रहा है, ये हमारे लिए फर्स्ट और बेस्ट अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। किन लोगों के लिए, अभी मैंने पहले पॉइंट में कवर किया है जो मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए पहली और बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने की। उसके बाद में बात करेंगे जो सेकेंड इन्वेस्टमेंट या अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है
वो लगभग $25,000 के आसपास में है। आप लोगों को अगर याद हो, लगभग 15 से 20 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और बताया था कि $30,000 फर्स्ट बाइंग जोन हो सकता है, $25,000 के आसपास सेकंड बाइंग जोन हो सकता है, जो कि बिटकॉइन वहां तक डंप भी हुआ था। जिन लोगों ने अपनी बाइंग बिड लगा के रखा था, उन सभी लोगों की बाइंग बिड लगभग फिलअप हो चुकी है, क्योंकि लगभग बिटकॉइन $25,000 तक डंप हुआ था। लेकिन अगेन यहां पर अगर $25,000 जाता है, मार्केट में क्राइसिस आती है, पैनिक माहौल बनता है, फियर एंड ग्रीस इंडेक्स जो है वो डंप होता है, तो आपको $25,000 के आसपास बिटकॉइन मिल सकता है। सो इसलिए आप लोग प्रिपेयर रहिए बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए $25,000 के जोन में। $25,000 हो सकता है, $26,000 हो सकता है, $27,000 हो सकता है, या फिर हो सकता है कि $25,000 को भी ब्रेक कर जाए बिटकॉइन और $24,000 के आसपास भी आप सभी लोगों को मिल जाए। तो इसलिए ये हमारी लाइफ की बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है। और इन केस बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अगर बियर मार्केट आ जाता है, तो हो सकता है बिटकॉइन आने वाले टाइम में $20,000 भी हो जाए। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ, आप लोग ये मत सोचिएगा या बेट करिएगा कि जब $20,000 आएगा तब आराम से बाई करेंगे। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आप डिफरेंट पार्ट्स में बाई करिए, $30,000 में बाई करिए, $25,000 में बाई करिए, और इन केस कभी $20,000 अगर आया तो वहां पर भी आप सभी लोगों को बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना है। आज के वीडियो में इतना ही था, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। आई होप कि आप सभी लोगों को वीडियो में मजा जरूर आया होगा। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि लाइटिंग सेटअप डिजिटल बोर्ड के लिए बहुत ही जबरदस्त चाहिए थी, इसकी रिक्वायरमेंट थी, लाइट स्टूडियो नहीं बन पा रहा था, जिसकी वजह से वीडियो बनाने में टाइम लगा। लेकिन फाइनली अब मैं आ चुका हूं लाइटिंग सेटअप के साथ में, सब कुछ अच्छा है। वीडियो क्वालिटी अच्छी है या फिर नहीं, वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइटिंग किस तरीके से आपको लग रही है वो भी कमेंट करिएगा। ऑडियो क्वालिटी आपको कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा। और जो हमने इंटरैक्टिव डिजिटल बोर्ड लिया है, वो जो टीचिंग करने का आप सभी लोगों के लिए, वो कैसा लग रहा है मेथड, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि एक कमेंट से, एक लाइक से आपके मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा मिलता है। मार्केट में बहुत सारे स्कैमर्स हैं, इसलिए आप सभी लोग बच करके रहिएगा। जितने भी ऑफिशियल अकाउंट्स हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इतना ही था वीडियो में। अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।